हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है एक व्लॉग जैसा कि आपको दिख ही रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग है जो मैं शूट कर रहा हूँ, और यू ना मैं वो हो रहा हूँ काफ़ी क्या बोलते हैं उसे, नर्वस हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी सी GTA ऑनलाइन खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ, और अभी हमारे जाने में अराउंड एक घंटा बचा। हमने यू नो 3:30 बजे जाना होता है हमें, एंड फ्लाइट हमारी 6:30 बजे, देखो 3-4 घंटे पहले। यू नो दिस इज कॉल्ड इंडियन फैमिली। यू नो इंडियन बंदे जो होते हैं ना वो, अरे यार ये, हाँ जो इंडियन बंदे होते हैं ना वो इतनी जल्दी निकल लेते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये यहाँ पे हमारे लगेजेस वगैरह हैं, PC को बहुत मिस करूँगा मैं, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं। ओके, तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अभी यहाँ से हमने पहले दिल्ली जाना, उसके बाद दिल्ली से फ्लाइट है हमारी अराउंड 12 बजे। 12 बजे की फ्लाइट लेके हमने जाना है सीधा फिर सिंगापुर, और सिंगापुर जाके मेरे को 7 दिन अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइक यू नो जो वैक्सीन वगैरह का कुछ चक्कर पड़ेगा, जैसे कि उसमें कोवोवैक्स लगानी वगैरह पड़ती है, मेरे को कोई अलग वैक्सीन लगी हुई है एंड ऐसा कुछ सीन है, तो मेरे को अंदर रहना पड़ेगा। लाइक जो मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स वगैरह जा रहे हैं उनको कह दें कि भाई तुम घूम लो जो मर्जी करो, लेकिन इसको नहीं जाने देना, पता नहीं भाई क्या सीन है। अब बस यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठना है, बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। A few moments later. तो अभी यहाँ मेरे लंच के लिए ये एक वेज बर्गर एंड थोड़ी सी मोका वाली कोल्ड कॉफ़ी, आई थिंक ठीक है, ठीक सा कॉम्बिनेशन है, मेरे को लगा तो मैंने मंगवा लिया। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने प्लेन के अंदर, अब बस वेट करते हैं इसका टेक ऑफ होने में, फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधा दिल्ली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट, एंड यहाँ पे लाइक इमिग्रेशन वगैरह पे आना है, लाइक वो यू नो बोर्डिंग पास वगैरह के लिए जो हमारी सिंगापुर की तरफ फ्लाइट जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो अभी एयरपोर्ट में 4 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। हेलो तो मैं फाइनली सिंगापुर आ चुका हूँ, एंड मैं अराउंड 12:30 बजे तो आ गया था, एंड मैंने पर अति खाना खुना खा के नहा के सो गया। अब मैं सीधा उठा 6:30 बजे। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, दोपहर की नींद होती है ना इतनी अच्छी होती है ना, मैं क्या ही बोलूँ, उसका कुछ बराबर ही नहीं है। तो मैं ज़रा आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये एक बिल्डिंग हमारे सामने है, बिल्डिंग्स वगैरह, एंड सामने एक ओशन है, और मेरे को बस 8 दिन क्वारंटाइन में रहना है, और उन्होंने बोला था कि आज डे ज़ीरो। हेलो, तो आज है डे 1 ये क्वारंटीन में। तो रात को भाई मैं सोया था अराउंड 10-11 बजे, और उठा था मैं दोपहर को 2:30 बजे। तो यहाँ पे ना काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, कि यहाँ पे ना चेक चुक करने आते हैं कि भाई अलग रूम में बैठे आइसोलेटेड करके। मैं तो भाई सोया हुआ था अराउंड 10-11 बजे आए थे वो, एंड तब लाइक मेरे पापा ने मेरा फ़ोन उठाया, वीडियो कॉल करी थी उन्होंने, लाइक मेरे को सोया हुआ दिखाता है, ये लो भाई पड़ा हुआ है अलग ही रूम में पड़ा हुआ है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बैठ के बाहर व्यू देख रहा हूँ जो मैंने पहले भी दिखाया था। सुबह का इस आज है डे 2 ये क्वारंटीन में। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, बस सोफे पे बैठ के, आगे KGF 2 चल रही है, मूवी देख रहा हूँ। भाई बहुत सही मूवी है सच्ची में KGF 2 ना, मैंने थिएटर में देखी, 3-4 बार घर पे देखी है, एंड दूसरी बार यहाँ पे देख रहा हूँ। तो एज़ यूजल मैं सारे दिन सोकी निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो बस जैसा मैंने बोला कि मैंने सारे दिन बस ऐसे सोकी निकाल लेने हैं मैंने, जैसे कि मैं उठा था 2-3 बजे सोके दोपहर के। तो सिंगापुर में ये वाली ड्रिंक भी बहुत कॉमन है, लाइक ये बहुत सही ड्रिंक है, जैसे कि होता है ना वनीला मिल्क शेक ऐसा कुछ। तीसरी बार फिर हूँ मैं, तो बस ऐसे ही करके मैं बस ऐसे पूरा दिन ख़त्म कर देता हूँ, सो के, TV देख के, खाना खा के। 2000 years later. हे गाइस, आज है डे 7 इस क्वारंटीन के अंदर, और यू नो मैंने आपको पता ही है मैंने क्वारंटीन कैसे निकाला होगा सो के। और जो मेरे चाचू हैं यहाँ पे, उनके पास एक कैमरा, जो प्रोफेशनल कैमरा होता है ना, जो व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए जो ऐसे करके व्लॉगिंग होती है, सोच रहा हूँ वो वाला यूज़ कर लूँ। चल देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैं आराम से भी रूम में बैठा हूँ, शाम हो रही है। तो पहले 2-3 दिन मैंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि बस वही था, सुबह उठ गया, बारह एक बजे तक उठ गया। तो वैसे कल मैं कोरोना के लिए एक वो टेस्ट करवाने गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वही जो होता है ना वो जिससे वो ऐसे करके टेस्ट लेता है, इतना अंदर तक डाल देना बिल्कुल यहाँ तक। तो
तुम लोग गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमने पीछे लाइक एक मंकी और एक क्रोकोडाइल वगैरह देखा है, बस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अभी तो मैं फायदा अभी प्रोफेशनल वाले जो कैमरा है ना उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ा सही लग रहा है गाइस। अब यहाँ पे ऑथर आएगा, लड़ रहे हैं वो। फिर अभी हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं ये डायनासोर जैसे कोई चीज़ है, बबू क्या ये बबीरूसा पता नहीं भाई कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। वो आगे बैठा दूर कहीं पे, वो देख रहा है सो रहा है वो अभी। तो यहाँ पे अभी आई थे आगे एक टाइगर घूम रहा है, हाँ वो पेड़ के पीछे चला गया। वो देखो टाइगर दिख रहा है, आई मीन ये वाइट टाइगर तो नहीं ऑब्वियसली लेकिन है। तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइगर तो देख लिए हमने, जो ब्राउन टाइगर होता है जो नॉर्मल होता है, जो वाइट टाइगर है ना वो नहीं देखा अभी तक फिलहाल। आई मीन वो यहाँ पे पीछे झाड़ियों में कहीं पे छुपा होएगा पता नहीं, आई मीन फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं। तो वाइट टाइगर सो रहा है गेस। अभी हम लोग एक्वेरियम टाइप चीज़ में आ चुके हैं, यहाँ पे टर्टल है यहाँ पे एंड यहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी सी फिशेस एंड स्नेक भी है यहाँ पे एक। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्नेक है एक छुपा हुआ है एक पत्थर के अंदर। तो यहाँ पे हिप्पो वाली जगह आ चुके हैं, यहाँ पे हमें हिप्पो दिखेगा और हिप्पो है वहाँ पे, वो देख रहे हो हिप्पो पी, देखना अभी तो फिलहाल घास खा रहा है वो। भाई यहाँ पे रास्ता भी बड़ा सही है लाइक नेचुरल ना ग्रीनरी ओपी। बस अभी हम लोग आगे जाई जा रहे हैं और आगे ये वाटरफॉल काइंड ऑफ चीज आ चुकी है। और यहाँ पे मंकी टाइप चीज है क्या पता नहीं, बस पिछवाड़े लाल हो इनके। सरवल तो भी आगे कैंगरूज भी हैं वो देखना। तो अभी आगे थोड़े से लाल पिछवाड़े वाले बंदर देखने के बाद और थोड़े से कीड़े मकोड़े देखने के बाद एंड किसी की हड्डियां पसली देखने के बाद फाइनली हमें आगे जाके देखा लायन। कल मैं वैसे जू गया था एंड वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स देखने को मिले, लाइक हर एक एनिमल देखा मैंने वहाँ पे। एंड बस मैं कुछ ऐसे था कि कोई के एनिमल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बस ऐसे था कि भाई ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उनको लाइक स्किप कर दिया था इसलिए। हाँ और आप मेरे बाल थोड़े से इग्नोर कर सकते हो, वो थोड़े यू नो ऐसी तैसी हो चुकी है। तो वैसे आज हम लोग जा रहे हैं कहीं और घूमने, आज है डे टू, हम लोग जा रहे हैं मरीना बे आसपास तो नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे शाम हो रही है सुबह, बस मैं ऐसे ही बस होके उठ गया था। हम लोग वैसे वहाँ पे गए थे हैंडरसन ब्रिज यहाँ पे हमारे आसपास या कहीं पे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसी तैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाइक चलना पड़ा था। अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर था ना यहाँ से, आई मीन दूर तो नहीं था, आई मीन वो यू नो वो चटाई होती है ना, चटाई क्या होता है, चढ़ाई होती है जो ऊपर को ऐसे करके जो ऐसे जाती है ना, लाइक वो ऐसे बहुत लंबा था 1-2 किलोमीटर बस चढ़ाई के चढ़ के जाओ नीचे आओ एंड बड़ा, लेकिन मज़ा आया था ऊपर जाके। तो हाँ अभी मैं तैयार व्यार होके बैठ गया हूँ, लेकिन मेरे बाल मैंने सेट करने हैं अभी। ओके तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मरीना बे और इसको बोलते हैं मरलायन। एंड बस ऐसी है कि बस ये लायन सा बना रखा है, इसके मुंह से पानी निकल रहा है एंड यहाँ पे जनता देखो कितने भी है, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस यही देखने के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं है। और एक वो आगे ये वाला होटल, इसके अंदर भी बहुत पहले मैं एक बार लाइक स्टे की थी थोड़ी देर के लिए। भाई है तो ये वैसे सही है, वैसे सिंगापुर की शान है ये सही में, बहुत ज़्यादा आई मीन सही माना जाता है यार। यहाँ पे जो महात्मा गांधी की जो एशिस होती है ना जो एंड में होती है रहती है मरने के बाद, वो यहाँ पे फेंकी थी आई मीन बहुत देर पहले, बहुत सालों पहले। हेलो तो अभी हम लोग थोड़ी सी कॉफ़ी वूफी पी के, और भाई पता नहीं हमने वो एक चीज़ ट्राई करी थी कॉफ़ी क्रेप पे, और वो इतनी अच्छी चीज़ थी ना ऐसे था कि डोसे के अंदर लाइक चॉकलेट भर दिया किसी ने एंड सही में भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो। एंड अभी लाइक हम लोग यहाँ पे रुके हैं लाइट फेस्टिवल वगैरह के लिए, और अभी तो बस ऐसे इधर उधर घूम रहे, थोड़ी सी लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, इधर उधर थोड़ी थोड़ी लाइट्स जगनी शुरू हुई है। ये देखो अभी हम लोग थोड़ा सा पास आ रहे हैं, ये जो लाइट्स दिख रही है ना ये ध्यान से देखो, ऐसे लग रहा भाई देखिए ना नाच रही है ये, पूरी सीरियसली नाच रही है ये। तो जैसा मैंने बोला था धीरे धीरे लाइट्स चलनी ऑन हो चुकी है यहाँ पे एंड बहुत सही लग रहा है अभी तो। बहुत जब पूरा अंधेरा हो जाता है ना तब जो होता है ना वो बहुत सही होता है सही में, लाइट सी लाइट हो जाती है हर जगह। अरे भाई कहाँ पे आ गए हम, कितना सही है भाई, खुला खुला सा भाई
काफ़ी सही लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुली चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं गाइस आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आज मेरा सेकंड लास्ट डे है सिंगापुर में, उसके बाद मैंने लाइक परसों चले जाना है एंड बस कल मेरा लास्ट डे है सिंगापुर में। कल हम वैसे जाएंगे ई स्पोर्ट्स में, वहाँ पे बताऊँ क्या होता है, लाइक गेमिंग का जैसे मॉल है ना, सब गेमिंग से भर रखा है, वहाँ पे गेमिंग ही गेमिंग है एंड वहाँ पे लाइक बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, मज़े आएंगे बहुत ज़्यादा। मैंने बोला था ना यहाँ पे रात को बहुत सारी लाइट्स आ जाती हैं, ये देखो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा लाइट्स हो गई हैं। तो अभी हम लोग कुछ खाने को मंगवाने वाले हैं, लाइक यू नो जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे होता है भाई बाहर आके भाई चलो भाई दाल रोटी पनीर रोटी, भाई मैंने बोला भाई क्यों भाई दाल रोटी तो भी इंडिया में ही खाते रहते हैं। तो अभी बस देखो भाई अच्छे बहुत सही अच्छा खासा सीन हो रहा है एंड बस थोड़ी देर में शायद वापिस जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट डे अभी हम लोग फुल तैयार हो चुके हैं लाइक ई स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जाने के लिए एंड वहाँ पे आके बहुत मजा आते हैं, लाइक गेमिंग वाला पूरा हेवन है वहाँ पे। और अभी वैसे मेरा सिंगापुर में लास्ट डे है लाइक, हाँ बस भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आगे देखो भाई PS5 पड़ी है वहाँ पे एंड यहाँ पे लाइक दुनिया भर की गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। यहाँ जो मेरे पास रेसिंग व्हील है ना वो भी है, यहाँ पे फुल सेटअप किया हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक F1 वाली रेसिंग गेम भी खेली थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा नूब था भाई। यहाँ पे भाई देखो कितना सही है अंदर से, मैंने अभी वो रेसिंग वाली गेम खेली है, बड़ा मज़ा आया। ये देखो भाई कितना बड़ा माइक है ये। हेलो भाई किसी को आवाज़ आ गई मेरी ना भाई, चलता नहीं बस खराब माइक है। यहाँ पे ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी है और यहाँ पे मैं कोई गेम अगर मैं चाहूँ ना तो वो खेल भी सकता हूँ। यहाँ पे OBS चल रहा है, वहाँ पे क्रोम वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे गेम। गाइस हम थोड़ी सी PC गेम्स ट्राई करने वाले हैं जैसे कि वैलोरेंट CS:GO एंड ऐसी कोई भी गेम। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि माइक भी एक ले लें क्योंकि ना मेरा माइक ना टूट गया वो, इसलिए थोड़ी देर के लिए वीडियोस नहीं आ रही थी इतनी एंड हाँ बस मेरा माइक टूट गया। हम लोग सोच रहे थे जो मेरे पास पहले जो माइक था ना ब्लू Yeti वही ले लें फिर से, क्योंकि यार वो सही था लेकिन वो नीचे गिर के टूट गया। फिलहाल यहाँ पे ये देखो कैसे कैसे PCs हैं यहाँ पे अच्छे। 2000 years later. तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला था कि हमने नया माइक भी ले लिया एंड उसके बाद अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। बस वहाँ पे हमने वैलोरेंट खेली एंड अलग दो एक कॉल ऑफ ड्यूटी खेली एंड मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी गेम्स थी। PS5 भी थोड़ी सी ट्राई करने को मिली लेकिन बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके एंड वहाँ पे जो रेसिंग व्हील से गेम होती है वो भी खेल के देखी थी हमने, सही में बहुत मज़ा आया। तो अभी हम लोग अभी शाम हो रही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच, आई मीन यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो हाँ हम लोग वैसे शायद ईस्ट कोस्ट जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पता नहीं, लेकिन वहाँ पे बीच है तो या बीच पे जा रहे हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लकी हो गया था और मेरे को डबल डक्कर बस में सबसे पहली वाली सीट मिल गई थी और वो भी पूरी खाली। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड बस यहाँ पे बड़ा सही है, यहाँ पे बीच वगैरह लाइक साफ सुथरी है ना थोड़ी सी, तो इसलिए मज़ा आ रहा है। तो बस अभी हम लोग यहीं पे बैठेंगे बस चटाई बिछा के एंड बस अभी हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे ही बैठेंगे बातें करेंगे, उसके बाद हमने कल जाना है वापस इंडिया, बस यही सीनरी को देखते रहना है आधा घंटा या तो 1 घंटा, फिर उसके बाद वापस जाना है, बस यही है सीनरी बस। हेलो गाइस तो आया फाइनल डे, अब हम वापस जा रहे हैं इंडिया वापस, आई मीन बहुत घूम लिया सिंगापुर में, अब हम जा रहे हैं वापस इंडिया। और अभी तो फिलहाल 7:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे हमारी फ्लाइट है। हाँ सुबह 5 बजे उठना पड़ गया था इतनी जल्दी। हेलो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चंडीगढ़ मेरे गेमिंग सेटअप पे। और सही में भैया सिंगापुर का सफ़र बहुत सही था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, हमें नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिली। मैंने फर्स्ट टाइम सुशी ट्राई करी थी एंड
लैम्बोर्गिनी देखी थी मैंने वहाँ पे, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ था वहाँ पे। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग नया माइक ले लिया था हमने, और मैंने वो ले लिया है, आई मीन सिंगापुर से ही लेके आया था मैं यहाँ पे, अभी उसको सेटअप करना है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा न्यू माइक, आई मीन वो सेम माइक है, बस ये ग्रे कलर में है। और या मैंने यही माइक लेना था क्योंकि वो वाला माइक टूट गया था नीचे गिर के, और मैंने सोचा कि सेम कलर नहीं लेते, कोई और कलर ट्राई करते हैं। तो अभी पहले इसको डब्बे से बाहर निकालते हैं, फिर इसको करते हैं सेट वगैरह। ओके, तो मैंने इसको कुछ ऐसा कुछ करके खोल दिया है, आई मीन इसका जो बाहर का होता है। अब इसके जो अंदर वाली चीज़ दिख रही है ना, इसको खोलना है। ओके, तो ये ना मेरा, एक मिनट, हाँ तो ये रहा मेरा माइक। ओके गाइस, तो ये था सिंगापुर का व्लॉग, तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। इसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग मजे आए थे एंड वो मजे आए थे। तो आई थिंक अभी ये टाइम है इस व्लॉग को एंड करने का, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।